कि छत्तीसगढ़ के मंत्री और कांग्रेस के उम्मीदवार गुरु रुद्र कुमार के काफिले पर देर रात बेमेतरा में हमला हुआ है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी देर रात झालगांव से लौट रहे थे, तभी कुछ उपद्रवियों ने उनके काफिले पर पथराव कर दिया। गुरु रुद्र कुमार के काफिले पर हुए हमले का वीडियो भी सामने आया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि हमले में उनकी गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। जानकारी के अनुसार उनके समर्थन नवागढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आज हम सभी लोग इसलिए थाने आए हैं कि जगत गुरु रुद्र कुमार जी अपने काफिले के साथ ग्राम नवागढ़ से ग्राम झाल में महामाया मंदिर के दर्शन करने गए थे। जैसे ही वो दर्शन करके मंदिर गए तो कुछ असामाजिक तत्व द्वारा भाजपा के लोगों के द्वारा वहां पर भाजपा जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। उसके बाद जैसे ही गुरु जी लौट कर अपनी गाड़ी में बैठे तब कुछ अज्ञात लोगों द्वारा, 5-6 लोगों के द्वारा, युवाओं के द्वारा वहां पर पत्थरबाजी की गई, जिसमें तीनों गाड़ियों में गुरु जी के ऊपर हमला किया गया। और अगर पत्थर पीछे की बजाय अगर सामने लगता तो कहीं ना कहीं आज रुद्र गुरु जी को गंभीर चोट आ सकती थी और कोई भी घटना घटित हो सकती थी। नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस पार्टी से जो प्रत्याशी हैं गुरु रुद्र कुमार, वो झालगांव में अपने चुनावी कार्यक्रम में शरीक हुए थे। वो अपने निजी वाहन से जब वापस वहां से हो रहे थे, वहां कुछ लोगों के द्वारा गाड़ी पे पथराव किया गया, जिससे गाड़ी का जो कांच है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। तो पूरे मामले में जांच की जा रही है, लिखित आवेदन के आधार पे उसमें FIR कायमी की जा रही है और पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। और इस घटना के मद्देनजर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए जा रहे हैं।